गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज सुधीर श्रीवास्तव, योर इंग्लिश टीचर. हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल, वेरी हैप्पी एट योर होम. एंड ऑल्सो आई होप दैट यू ऑल आर वेरी वेल स्टडीड योर ऑल सब्जेक्ट्स. ड्यू टू आवर स्कूल हैज़ रिमेन क्लोज, सो लेट्स स्टार्ट आवर poem, A Tiger in the Zoo. This poem is from our English literature book, First Flight, as you see. And here I write some sentences regarding this poem to understand very properly. So you write down these sentences, this summary, as well as the summary in your notebook. Can you see? You can see this. This is the summary of the poem. So you can write this in your notebook for better understand. Let's start our poem now. The students, ये poem A Tiger in the Zoo means, इसको शुरू करने से पहले हम लोग एक चीज़ को समझते हैं. चाहे हम इंसान हों या कोई जानवर हो, हम सबको अपनी स्वतंत्रता बहुत पसंद होती है. हम लोग जिस तरह के वातावरण में शुरू से रहते हैं, उस तरह का वातावरण ही हमको बहुत अच्छा लगता है. हम उसमें बिल्कुल अपने आप को सहज महसूस करते हैं. बिल्कुल वैसे जानवरों के साथ भी होता है. ये जानवर एक शेर है. एक शेर की कहानी इसमें बताई गई है. पोएट ने ये बताने की कोशिश की है, बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है कि एक वो शेर जो जंगल में रहता है, जो खुले आकाश में तारों को देखता है, जो नदी के किनारे बने झाड़ियों में अपने शरीर पर बनी धाड़ियों के कारण छिप जाता है, और वहाँ आ रहे हिरन को जो पानी पीने आता है उसका शिकार बहुत आसानी से कर सकता है, वही शेर जब जंगल के अलावे जंगल से हट के एक पिंजरे में कैद हो जाता है, एक चिड़ियाघर के एक पिंजरे में कैद हो जाता है, तो वही शेर जो एक समय बहुत ताकतवर होता है, आज बिल्कुल असहज और हेल्पलेस हो जाता है, असहाय हो जाता है. उसके पास ताकत होते हुए भी वो कमज़ोर है. वही बाघ जो किसी समय अगर किसी गांव के बाहर से गुजरता तो उसके पैरों की छाप देखकर लोग डर जाया करते थे, आज लोग उसको देखते हैं और उससे बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं. वही बाघ जिसको पहले लोग बहुत डर के साथ देखते थे, और आज जिस जो जंगल में होने पर किसी भी दूसरे जीव को, चाहे वो इंसान था या कोई दूसरा जानवर, उसको देखकर वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आसानी से उसकी तरफ हमला करता या उसकी तरफ दौड़ता था. लेकिन आज वही बाघ जब एक पिंजरे में सलाखों के पीछे कैद है, अपनी ताकत अपने पास होते हुए भी वो उस ताकत को भूल चुका है, और आज वो बिल्कुल वहाँ पर आने वाले, उसको देखने आने वाले सारे लोगों को, विजिटर्स को बिल्कुल अनदेखा कर रहा है, ऐसे जैसे वो अब किसी को नहीं देखना चाहता हो. वही बाघ जब जंगल में था तब वो उसने आखिरी बार स्वतंत्र रूप से, फ्री रूप से गाड़ियों के, कुछ गाड़ियों के चलने की आवाज़ सुनी थी. लेकिन आज वो दिन था जब वो किसी भी चीज़ से
निष्फिक्र हो चुका था, उसे ये किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं था कि क्या है और क्या नहीं। तो यही था इस पोएम का सारांश कहें, मीनिंग कहें, या इस पोएम को समझने का इसका एक अर्थ बताएं, यही था। तो सिंपल इस पोएम को हम लोग एक छोटे से एक लाइन में अगर डिस्क्राइब करना हो तो कह सकते हैं, वी हैव पावर, वी कैन यूज़ आवर पावर व्हेन वी आर फ्री, इफ़ वी आर नॉट फ्री वी कैन नेवर यूज़ आवर पावर। अगर हम स्वतंत्र हैं तभी हम अपने पावर, अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर जब हम स्वतंत्र नहीं हैं तो हम लोग अपनी शक्ति का पावर का इस्तेमाल चाह के भी किसी तरह से भी नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू। हम लोग बनाइए।